खाना हो या मेडिसिन, फायदा तभी पहुंचता है जब सही मात्रा में सही तरह से लिया जाए। सर्दियों का एक ऐसा ही आइटम है च्यवनप्राश। जी हाँ, इसे इम्यूनिटी बढ़ाने से लेकर भूख बढ़ाने और सर्दी खांसी से बचाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। सर्दी आते ही लोग तरह तरह के च्यवनप्राश खाने लगते हैं। हालांकि इसके इस्तेमाल और सेवन में कुछ सावधानियां बरतना बेहद जरूरी है, तभी इससे भरपूर फायदा मिल सकता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर सर्दी के मौसम में सही च्यवनप्राश का चुनाव कैसे करें? तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई और मैं हूँ आप सभी के साथ कृतिका। च्यवनप्राश चुनने से पहले अपनी मुख्य जरूरतों को आपको जानना चाहिए। जी हाँ, जैसे आपको ये इम्यूनिटी के लिए चाहिए, वीकनेस के लिए चाहिए, कफ कोल्ड के लिए या किसी और पर्पस से चाहिए। बाजार में कुछ खास च्यवनप्राश आते हैं जो जरूरत के मुताबिक चुने जा सकते हैं। जैसे डायबिटिक पेशेंट्स के लिए खास शुगर फ्री च्यवनप्राश इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों के लिए अलग च्यवनप्राश अवेलेबल है, इसलिए अपनी जरूरत के हिसाब से सही प्रोडक्ट का चुनाव करें। साथ ही च्यवनप्राश के सेवन का बेस्ट तरीका ये है कि आप रात में सोने से पहले इसे गुनगुने दूध के साथ एक चम्मच और सुबह नाश्ते के बाद एक चम्मच लें। अगर दूध से नहीं लेना चाहते तो गुनगुने पानी में से ले सकते हैं। बच्चों को आधा चम्मच से ज्यादा ना दें और बड़े एक चम्मच ले सकते हैं। बहुत छोटे बच्चों को च्यवनप्राश न दें या डॉक्टर से सलाह के बाद ही आप उन्हें च्यवनप्राश दे सकते हैं। किसी गंभीर या अलग तरह की बीमारी से ग्रस्त हो तो इसके सेवन से पहले आपको डॉक्टर की राय अवश्य लेनी चाहिए। च्यवनप्राश लेने के बाद उसकी प्योरिटी जरूर चेक कर लें ताकि आगे के लिए सावधान हो सके। इसके लिए एक कटोरी में पानी लें और जरा सा च्यवनप्राश उसमें डालें। अगर वो प्योर होगा तो नीचे बैठ जाएगा। जिसमें मिलावट होती है वो ऊपर तैरने लगता है और उसके कुछ पार्टिकल्स ऊपर आ जाते हैं। दरअसल च्यवनप्राश में मिलावट के नाम पर कुछ लोग सब्जियां जैसे लौकी या कद्दू मिला देते हैं ताकि कॉस्ट कम हो जाए और ज्यादा दामों में उसे बेच दें। आपको बस इसी की मिलावट देखनी होती है। वैसे अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। और भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।